जहां अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित तो हो रही है, वहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूत होती जा रही है। जी हां, बदलती अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर देश में आर्थिक संपन्नता का एक बड़ा संदेश दे रहा है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन ने देश में पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं के माध्यम से बड़े व्यापार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे केंद्र और राज्य सरकार की मदद से श्री राम और पूजा पाठ से जुड़ी वस्तुओं के 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य अयोध्या में हो रहे हैं। अयोध्या 100 किलोमीटर के दायरे में 16 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब अयोध्या को केवल तीर्थ स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और वेलनेस पर्यटन के अलावा MSME, ODOP, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स के रूप में भी एक साथ विकसित किया जा रहा है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या, श्री राम के रंग में रंगी है अयोध्या। अयोध्या नगरी में जहाँ भी निकल जाओ, दिन हो रात हो, इस तरह की चकाचौंध हमेशा दिखाई देती है। और हो भी क्यों ना, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, लोग बहुत उत्साहित हैं और उत्साह का ये रंग हर जगह दिखाई देता है। गली हो, चौराहे हो, घर हो, दुकान हो या फिर इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, यहाँ पर व्यवसायी भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये जो समारोह है या अयोध्या का ये जो कायाकल्प हुआ है, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। झंडे भी राम दरबार का झंडा बनकर आ रहा है और तमाम प्रकार से यहाँ अगरबत्ती, धूप बत्ती और टिकली, सिंदूर बिंदी, भाला झाला, तमाम तरह के आइटम दिया जा रहा है। बाहर से लोग भी आ रहे हैं। पहले तो लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अयोध्या संवर रही है। ये लग रहा है कि निश्चित रूप से हम लोगों के भी दिन राम आ जाएंगे तो बहुरेंगे। बहुत बदलाव हुआ इतने सालों में, जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया था वो योगी और मोदी ने करा जी। बहुत अच्छा हो गया। पहले जैसे लगता था कि बहुत पुरानी अयोध्या है, कोई अयोध्या को भूल ही गया था, लेकिन अब सब याद रखे हैं। बहुत बढ़ोतरी हो रही है, अभी भी मतलब उद्घाटन नहीं है, उससे पहले ही शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में तो और होगा। काफ़ी बदलाव आया है यहाँ पे। काफ़ी पहले से रोड थोड़ा पतला था, रोड बहुत चौड़ा हुआ, रोड आके पर्यटक भी ज़्यादा आ रहे हैं, अब आगे आने की संभावना भी है, ज़्यादा पर्यटक भी आएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा अपने दुकान का वो बढ़ा है, लुक भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा प्रोग्रेस पे है। मोदी साहब हमारे बहुत अच्छा पहल चलाए थे कि खुद पर निर्भर रहो, तो अपने घर में आ रहे हैं। काफ़ी दिन से वो टेंट में बैठे हुए थे, मगर हमारे मोदी जी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो भगवान को ला रहे हैं। भगवान के रंग में ही तो रंगा है अयोध्या, राम की नगरी है तो राम ही जी के रंग में तो सब लोग रंगेंगे। झंडा तो खूब चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। झंडे की मॉडल भी चल रहा है, लाइटिंग वाली भी राम मंदिर के जो है वो भी बिक रहा है। इस समय यही सब ज़्यादा इसकी आमदनी हो रही है। श्री राम अपने नवनिवास में आएंगे, सबके लिए ढेरों खुशियाँ लाएंगे, कहना है यहाँ के लोगों का। हनुमानगढ़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जब इस तरह की जगहों पर हम आते हैं तो इनकी खुशी की वजह स्पष्ट तौर पर पाते हैं। केवल यही स्थल नहीं बल्कि इस तरह के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं वो भी अब रात के समय इसी तरह से चकाचौंध से भरे रहते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे बड़ी मात्रा में सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई गई हों, पर्यटकों की आमद बढ़ी है। और श्री राम के आने की सूचना के बाद से इन्हें उम्मीद है कि ये आमद और ज़्यादा बढ़ेगी और लगातार जो इनके बिजनेस हैं, जो इनके व्यवसाय हैं, वो कई स्तरों पर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, DD News, अयोध्या।